तो यहाँ पर प्रीतम भाई अब हुडी पहनेंगे राहुल भाई की। ये जैकेट जी। लगभग 5 सालों से प्रीतम भाई का अरे वो साथ बोलता दे है रहा बोलता है। है घोटी वाला ऊंचा दिख रही हो इनकी इनकी कदर भाई क्यों ही रे। अरे बेचारा और काफी जबरदस्त जैकेट है ये। जिस पर तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पुन गांव में। गाइस क्या ही नजारा है आप देखिए जरा भाई क्या क्या कर रहे हैं ये देखिए ये देखिए। दोस्तों चलते हैं ऊपर पहाड़ों की ओर। ये बेबी रोड़ी चरमियो आराम है आराम है डंच दे क्या तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? जा रहे हैं अभी तो कुछ पता नहीं है, पर देखते हैं जहाँ बर्फ मिल जाए वहीं जाएंगे। तो आज बर्फबारी में चलेंगे हम, आपको दिखाते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो अभी हम हैं कुकड़ई गांव में और यहाँ पर हमारे प्रीतम भाई धन्नो को स्टार्ट करते हुए। तो मौसम भी आज काफी कोहरा लगा हुआ है, तो देखते हैं कैसा रहता है आगे। तो चलते हैं दोस्तों, अभी हम हैं नंदासैन में और यहाँ पर हमारे राहुल भाई पहुंच चुके हैं। हम इनके लिए कपड़े लाए हैं। तो यहाँ पर प्रीतम भाई अब हुडी पहनेंगे राहुल भाई की। गूंज गूंज की है ये मिनी पे नहीं है बहन ये ला 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 ये डाल दो बेटा सबसे बर्फी होल पे में जुदी यूज में अब है ये डाल दे घोरे ये जैकेट लगभग 5 सालों से प्रीतम भाई अरे का वो साथ दे रहा है। बहुत ही वाह ऊंचा दिख रही हो इनकी कदर भाई क्यों ही रे। अरे बेटा और काफी जबरदस्त जैकेट है ये। जिस प्रकार मैचों में पैर फटे रहते हैं आज यहाँ पर खूबसूरत नजारों के बीच अभी हम रुके हुए हैं। ये यहाँ पर घंडियालधार गांव है, वो वाला गांव जो दिख रहा है आपको सामने वो है कफलोड़ी और यहाँ पर नीचे है मालई। तो बस वहाँ ऊपर हल्की हल्के हल्का कोहरे के बीच आपको बर्फ दिख रही होगी, तो वहाँ हमारी डेस्टिनेशन है, वहाँ हमने जाना है। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं। यहाँ से हमारे राहुल भाई चलाएंगे बाइक और मैं बैठूंगा पीछे और प्रीतम भाई हमारा साथ देंगे कैमरामैन के रूप में। तो दोस्तों यहाँ से पुनगांव मात्र 8 किलोमीटर दूर। तो पुनगांव से लगभग 3 किलोमीटर आगे जाएंगे हम दूसरे जिले में, पौड़ी जिले में। तो दिखाते हैं आपको आगे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पुनगांव में। तो ये चमोली जिले का आखिरी गांव है जो सड़क पे पड़ता है। इसके बाद आखिरी गांव बिछौड़ा है लेकिन वो काफी ऊपर है यहाँ से। और यहाँ हमको हल्की हल्की सी बर्फ देखने को मिल रही है, तो उम्मीद करते हैं आगे ज्यादा बर्फ होगी। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे। डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो गाइस यहाँ से मेरे को लगता है हमें बर्फ देखने को मिलेगी थोड़ा बहुत। ओह माय गॉड ऊपर देखो राहुल भाई। ओ भाई वो देखिए बर्फ से ढकी हुई वादियाँ, ये निकलती है रोड बिछौड़ा के लिए 4 किलोमीटर। ये है बिछौड़ा गांव और ऊपर है बिछौड़ा गांव जो कि बर्फ की बर्फ की चादर से ढका हुआ। तो दोस्तों ये है पुनगांव, काफी सुंदर नजारा यहाँ से। और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा बिछौड़ा गांव। तो काफी बर्फबारी हुई है आज इधर, तो काफी सुंदर दिख रहा है यहाँ से पुनगांव और बिछौड़ा गांव। ये देखिए आप, और ये हमारे दोस्त राहुल नेगी और प्रीतम रावत। तो दोस्तों यहाँ से चलते हम आगे और यहाँ से बाइक चलाएंगे हमारे ये सच्चू भाई। तो भाई लोगों हमें यहाँ से हल्की हल्की बर्फ देखने को मिली, तो देखते हैं आगे क्या होता है।
गाइस तो यहाँ से हम हल्की हल्की तरफ देखने को मिली, मेरे को नाराज कर दिया इन्होंने। नार का मेरी हालत डाउन हो रही ठंडे कारण माँ कसम। तो गाइस ऑफ रोडिंग हो रही है, बहुत खतरनाक रड़िया। तो ये ब्लॉग मेरे को लगता है कि पोस्ट नहीं हो पाएगा, अगर हो जाए तो एक लाइक कर देना दोस्तों। एक लाइक मौत के साथ खेल लेंगे भाई। तो मेरे को लगता है कि राइडर को थोड़ा कुछ खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम उतर चुके हैं बाइक से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और यहाँ पर जो बाइक पर बाइक चलाने वाला होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लिप करती है। काफ़ी अभी अभी पड़ी है बर्फ़ नई नई, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्लिप करती है। और ये जो आवाज़ आप सुन रहे होंगे तो ये बर्फ़ गिर रही है और यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। सच्चू भाई आ रहे उधर से बाइक लेकर, आने सीधा आने दे। राहुल भाई भी हमारे पीछे पीछे चलते हुए। तो काफी डेंजरस हो जाता है, लेकिन बर्फ में चलने का मजा अलग है। ये देखिए, पर जूते गीले नहीं करने भाई, जूते गीले हो गए ना उसके बाद तो हो गया फिर काम। तो हम अब चमोली डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं और ठंड धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ती हुई और हम ग्लव्स लाने में भूल गए दोनों। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम गिदोखाल। तो ये वादियां देखिए आप, क्या ही ढकी हैं बर्फ से। और आप आते नहीं यहाँ तो कसम से मैं बोल रहा हूँ आप रोज आते, क्योंकि इतना ठंडा है ना इधर, इतना ठंडा है। आप ये लगा सकते हैं कि प्रीतम भाई देखिए, प्रीतम भाई देखिए कितना, इनकी नाक देखिए लाल हो गई है, लाल लाल मर चुकी है, टमाटर हो चुकी है। और उधर से आते हुए हमारे मित्र। तो दोस्तों इस भारी बर्फबारी के बीच ट्रैक्टर वाले भैया यहाँ पर काफी तेज रफ्तार में चलते हुए, ये देख दोस्तों ये पागल हो चुके हैं यहाँ पर बर्फ को देखकर। भाई लोगो हम खाने वाले थे समोसा और चाय और तब तक कोई आ गया इधर और पंपू भाई ने पंपू भाई ने जितनी जल्दी निकाला उतनी जल्दी पैक भी कर दिया। तो बहुत अच्छा पंपू भाई, और ये मेरे चश्मे पहन लिए हैं पंपू भाई ने अब। तो कृपया तो प्रीतम भाई ब्रांड है, प्रीतम भाई अपने आप में एक ब्रांड है। तो बैग भी ब्रांड वाला पहना है, नाइकी का ब्रांड। और ये जो ट्राउजर देख रहे हो ना आप, तो ये भी नाइकी का है। ये देखिए आप हमारे भाई क्या क्या कर रहे हैं, ये देखिए तो दोस्तों यहाँ से अब हमारे राहुल भाई चलाएंगे बाइक और हमारे प्रीतम भाई बैग लेके चलते हुए। तो काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है आज इधर, इधर को नहीं दिख रही, ओ इस साइड को ज्यादा है। तो गाइस आप देखिए उधर, ये देखिए आप, रो पड़ेंगे रो, मैं बोल रहा हूँ। आप इधर आते हो तो आप रो पड़ते, तो एक्सपीरियंस से कह रहे हैं रोने के बाद। नल्ले बेरोजगार लड़के ये फ्लैट शूज पहनते हैं, बहुत ठंडा है। ये देखिए इस इतने ठंड में इनके पास मोजे नहीं है, ये देखिए। मैं गरीब हूँ। तो दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो बर्फ का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ और बाइक ले जाने में काफी परेशानी हो रही है यहाँ से। तो यहाँ पर बाकी लोग भी आए हैं एंजॉय करने के लिए, आगे आप देख सकते हैं। तो हमारे राहुल भाई बाइक चला रहे हैं इस टाइम पे, तो दिखाते हैं आपको आगे। दोस्तों यहाँ से हमारे राहुल भाई
धन्नों को ले जाते हुए। ध्यान करते हो, काफी फिसल रही है यहाँ पर गाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा एक ब्रेक लेंगे हम चाय नाश्ते का। तो इस साइड को काफी लोग गए हैं इस साइड को। तो दोस्तों अब यहाँ पर नाश्ता करेंगे हम। तो राहुल भाई घर से हमारे लिए समोसे और चाय पैक करके ले आए थे, तो धन्यवाद करते हैं राहुल भाई का। थैंक यू राहुल भाई। तो तीन हम मात्र तीन आदमी हैं और खाने के लिए काफी समोसे ले आए हैं राहुल भाई। तो यहाँ से आप प्रीतम भाई हमारे का हिस्सा भी हम ही खाएंगे। तो ये बर्फबारी आप देख सकते हैं, इस साइड को कम है लेकिन उस साइड को काफी ज्यादा बर्फबारी है। तो जाएंगे थोड़ी देर में उस साइड को। दोस्तों नाश्ता हो चुका है, तो चलते हैं बर्फबारी का मजा लेने। बहुत फोटोज लेते हैं। और प्रीतम भाई आज तीन साल बाद काफी हैंडसम लग रहे हैं। तीन साल क्यों, मैं तो हमेशा से हैंडसम लगता हूँ यार। तो हमारे राइडर भाई आ चुके हैं, तो मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों फोटोशूट चलता हुआ यहाँ पर। दोस्तों चलते हैं ऊपर पहाड़ों की ओर। ये बेबी रोड़ी चरमियो। तो स्नो फाइट के रुझान आ चुके हैं दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों चलते हैं ऊपर पहाड़ी की ओर। इस साइड को काफी ज्यादा बर्फ गिरी है। तो दोस्तों आज का दिन काफी अच्छा रहा, लेकिन बर्फ ज्यादा गिरने के कारण हम ज्यादा शूट नहीं कर पाए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।